तो नमस्ते। आज हमारे ग्रुप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया था। संकल्प तो क्या, हम लोग चलते जा रहे थे, भगवद गीता की क्लास पद्मा जी करा रहे थे, और फिर हमने सोचा कि और क्या कर सकते हैं, तो हमने ये बुक का स्वाध्याय करना शुरू किया। 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, जो श्री अरुणा जी की किताब है। और करते करते सभी ने योगदान दिया, और आज हम 40वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। और आज बिनीता सुंथालिया जी, जो कि दुमका झारखंड से हैं और ध्यान में 21 से जुड़ी हुई हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट की काउंसलर हैं, वो आज हमें वाली जो मास्टर हैं उनके बारे में बताएंगी। और इस तरह से हमारा ये जो 40 मास्टर्स का जो संकल्प है, उनके बारे में जानने का जो प्रयास है, सी अरुणा जी की किताब के द्वारा, चैनल मैसेजेस के द्वारा, वो हमारा आज पूर्ण होगा। तो विनीता जी, बहुत बहुत वेलकम। और आपको पता नहीं है कि आप किस शुभ मुहूर्त पे हमारे चैनल पे आई हैं, तो मोस्ट वेलकम विनीता मैम। आज तक हमने सिर्फ आपकी आवाज ही सुनी थी, आज चेहरा देखने को मिल रहा है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, आज हम लोग मास्टर बाली के बारे में, उनके सी अरुणा मैम का जो चैलेंजिंग चैलेंजिंग है, उनका मैसेज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बाली जी के बारे में, कि बाली जी कौन थे। तो बाली जी का जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में दो कथा प्रसिद्ध है, दो कहानी है। तो एक पहला कहानी है कि ऋषिमुख पर्वत पर एक विशालकाय वानर निवास करते थे, जिसका नाम था ऋक्षराज। जो ऋक्षराज थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, और ऋषिमुख पर्वत के बगल में ही एक तालाब था। वो तालाब का जो जो वो तालाब जो था, उसको उसकी विशेषता ये थी कि जो भी वो तालाब में जाके स्नान करता, तो स्नान करने के बाद जब वो निकलता तो एक सुंदर युवती के रूप में वो निकलता, ये वो तालाब की विशेषता थी। तो एक दिन ऋक्षराज जो असुर थे, वो क्या करे, वहां पे वो तालाब में स्नान करने के लिए गए। और जब वो निकले वहां से, तो हाँ, एक सुंदर युवती के रूप में वो निकले, सुंदर अप्सरा के रूप में। तो उसी समय पे ऊपर आसमान से देवराज इंद्र वहां से अपने पार हो रहे थे, तो उन्होंने उनकी नजर उस अप्सरा पे पड़ी जो ऋक्षराज बदल चुके थे जो रूप में। तो उनका मोहिनी रूप देखकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और उनके प्रति आकृष्ट हो गए। तो इस तरह से बाली का जन्म हुआ। और जब सुबह पहले सूर्य देवता का किरण उस अप्सरा पर पड़ा, तो सुग्रीव का जन्म हुआ। इस तरह से पहली कहानी में हम जानते हैं कि बाली और सुग्रीव का इस तरह से जन्म हुआ, और उनको माता अहिल्या के यहाँ पे भेज दिया गया, वहां पे उनका पालन पोषण हुआ। दूसरी कहानी में हम जानेंगे कि एक और कहानी जो प्रसिद्ध है, उसमें है कि सूर्य देवता के रथ के सारथी थे अरुण। तो एक बार अरुण देव को स्वर्ग लोक जाने की इच्छा हुई। तो जब वो स्वर्ग लोक पहुंचे, तो वहां पे उनको पता चला कि केवल अंदर अप्सराएं ही प्रवेश कर सकती है और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो एक सुंदर सी अप्सरा के रूप में, अरुणा अरुणा नाम के अप्सरा के रूप में वो वहां पे प्रवेश हो गए। तो उनको उनके ऊपर नजर इंद्रदेव की पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि इतने दिनों से मैंने इस अप्सरा को तो नहीं देखा, इतनी सुंदर सी अप्सरा है। तो उनके प्रति वो आकृष्ट हो गया, और उसी उनके रूप में मोहित होकर फिर बाली का जन्म हुआ। और जब इंद्रदेव के कहने पर बाली को माता अहिल्या के यहाँ पे गौतम ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया गया, वहां पे उनका पालन पोषण हुआ। और जब फिर अरुण देव वापस सूर्य देव के पास पहुंचे और उन्होंने उनको सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसा हुआ, तो अरुण तो सूर्य देव को इच्छा जाहिर सूर्य देव ने इच्छा जाहिर करी कि वो भी उनका वो रूप देखना चाहते हैं। तो जब उन्होंने फिर से वो रूप में आए अप्सरा के रूप में,
तो सूर्य देव भी उनके प्रति आकृष्ट हुए और इसी प्रकार सुग्रीव का जन्म हुआ। और सुग्रीव को भी सूर्य देव के कहने पर माता अहिल्या के यहाँ पे गौतम ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया गया, वहां पे उनका पालन पोषण के लिए। और गौतम ऋषि और माता अहिल्या की एक पुत्री थी जिनका नाम था अंजनी, जो कि हम जानते हैं कि हनुमान की हनुमान मास्टर की माता है। तो बाली फिर आगे 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 जाके जब बड़े हुए बाली, तो फिर वो किष्किंधा के राजा बने। तो अब हम जानेंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ तब बाली अपने पिता के साथ भी वहां पे मौजूद थे, और समुद्र मंथन के समय बहुत सारे अप्सराएं वहां से निकली थी समुद्र मंथन के टाइम पे। तो उसमें से एक अप्सरा थी तारा, वो भी बहुत सुंदर अप्सरा थी, जिनको जिनसे मोहित होके फिर बाली ने अप्सरा तारा के साथ में विवाह किया, और बाली और तारा के एक पुत्र हुए जिसका नाम है अंगद, जो हम सब जानते हैं कि रामायण में अंगद की बहुत बड़ी भूमिका है, जो राम भगवान जी के साथ में थे। और जब जब अंगद कितना बलशाली और शक्तिशाली था, वो गुण उसका उसके अपने पिता यानी बाली के ऊपर से बाली से ही मिला था, क्योंकि बाली बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो बहुत दिनों की तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से ये वरदान हासिल करे थे कि जो भी युद्ध के समय पे जो भी प्रतिद्वंदी रहेंगे उसके सामने में, उसके बल का आधा बल वो उनके पास आ जाएगा। ऐसे तो बाली पर 100 हाथियों जितना बल था, पर ये वरदान पाने के बाद में वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। तो एक बार की बात है, एक बार एक मायावी राक्षस ने असुर बाली को चैलेंज किया युद्ध के लिए, ललकारा। तो बाली क्या, और वो भाग के एक गुफा के अंदर छुप गया। तो बाली उसके पीछे भी वो गुफा के अंदर गए और वहां पे सुग्रीव को बोल के गए कि तुम आप गुफा के बाहर में खड़े रहिएगा। पर कुछ देर तक जब दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकला, तब थोड़ी देर के बाद में राक्षस की खूब चिल्लाने की आवाज आने लगी और रक्त बाहर आने लग गया गुफा के। तो सुग्रीव ने ये सोचा कि हो सकता है कि बाली की मृत्यु हो गई है, और उन्होंने एक बड़ा सारा पत्थर गुफा के मुंह में मुंह बंद करके वहां से चले गए और राजगद्दी में अपना स्थान ग्रहण किया। जब बाली वहां से वापस आए और देखा कि सुग्रीव राजगद्दी में बैठे हैं, तो उनको उसके ऊपर बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने ये सोचा कि सुग्रीव जानबूझ के उसको राजगद्दी से हटाना चाहते हैं और अपने उस पे बैठना चाहते हैं। सुग्रीव के बहुत कहने के बाद बावजूद उन्होंने माना नहीं और सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। तो जब और सुग्रीव अपना जान बचाने के लिए ऋषिमुख नाम के एक पर्वत पर जाके आसीन हुए। वहां पे क्योंकि बाली को बाली नहीं जा सकते थे, उनको श्राप था, उनको ऋषि मतंग ने वहां न जाने का श्राप दिया था, इसी कारण से वो वहां पे जा नहीं सके। पर बाली ने सुग्रीव को का जो हिस्सा था उसको भी अपने नाम कर लिया, राज्य अपने नाम कर लिया और उसकी उनकी पत्नी रोमा को भी अपने कब्जे में ले लिया। ये हम सब पहले से जानते हैं थोड़ा बहुत बाली के बारे में। अब बाली मास्टर क्या क्या कहते हैं, उन्होंने चैनलिंग के द्वारा बताया है सी अरुणा मैम को कि हमारा मुंह निकला हुआ था पर हम बंदर नहीं थे, हम एक डाल से दूसरी डाल में दूसरी शाखा में उड़ने में माहिर थे और पहाड़ियों के बीच में कूदने में भी माहिर थे, पर हम हमारा शरीर संपूर्ण रूप से हम मानव शरीरधारी थे और हम हठ योगी थे। और उन्होंने सुग्रीव को एक बहुत ही हाई लेवल सोल कहा है। उन्होंने ये कहा है कि सुग्रीव बहुत ही
एडवांस लोग थे, और उन्होंने ये कहा कि सुग्रीव के प्रति उनका रवैया घमंडी वाला था, मीन्स वो उनके प्रति घमंड था, उनको वाली को बहुत घमंड था। वो अपना अपने बारे में बता रहे हैं कि उनको बहुत घमंड था और अहंकार था, वो बहुत तानाशाही थे, और वो सुग्रीव से आत्मसमर्पण करना सीखा। सुग्रीव ने ये सोचा, सुग्रीव बाली कहते हैं कि सुग्रीव ने ये सोचा था कि आत्मसमर्पण ही ऐसा एक तरीका है जिससे वो आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं, पर वाली को ये नहीं समझ में आता था कि वो किनके सामने आदर्श बनना चाह रहे थे। सुग्रीव हमेशा यही अहिंसा और साझा करने के गुण के बारे में वाली को सिखाए थे, यानी कि हमें अहिंसा में रहना है और हमेशा साझा मतलब शेयरिंग करने के गुण के बारे में उन्होंने बाली को सिखाया। और उसने अपने जीवन पर मत उसने में सुग्रीव ने अपने जीवन में इस विचार को समाहित कर लिया था कि कुछ भी केवल मेरा नहीं है। वो बहुत ही आसानी से आत्मसमर्पण कर लेते थे और ये अपने जिंदगी में अपने जीवन में ये चीज अपनाते थे कि कुछ भी केवल मेरा नहीं है। बाली ये बताते हैं कि बाली के पिता को पता था कि बाली के इस तरह का उनके उनका बिहेवियर है, उनका किस तरह का चरित्र, उनका किस तरह का ये है मतलब मीन्स नेचर है, उनका किस तरह का नेचर है, इसीलिए उन्होंने अपने संपत्ति का 3/4 हिस्सा बाली के नाम किया था और 1/4 हिस्सा सुग्रीव के नाम किया था। उसके बाद भी सुग्रीव ने इसका कुछ भी विरोध नहीं किया और उन्होंने यही सिद्धांत को अपनाया कि जीवन में कुछ भी केवल मेरा नहीं है, और जो 1/4 हिस्सा सुग्रीव का था वो भी बाली ने बाद में सुग्रीव से छीन लिया था। तो बाली को सुग्रीव ने ये सिद्धांत अपना कि वो तो ध्यान के लिए चले गए, जंगल में चले गए, और उनके साथ में और भी उनके गोत्र के कुछ लोग चले गए। यहाँ पे बाली बताते हैं कि सुग्रीव के ध्यान के स्वामी थे हनुमान जी। हनुमान जी ने सुग्रीव को ध्यान सिखाया और वो उनके उनसे सुग्रीव से उन्होंने सुग्रीव के जो अच्छे गुण है वो सब हनुमान जी उनसे सीखे। तो दोनों जन ही यहाँ पे हम जान सकते हैं कि एक दूसरे के गुरु हुए। हनुमान जी सुग्रीव को ध्यान सिखाए और सुग्रीव के जो भी अच्छे ज्ञान थे, जो भी ज्ञान थे उन्होंने वो हनुमान जी को सिखाया। इसके बाद हम जानेंगे ये जाने कि जब सुग्रीव चले गए तपस्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए, तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए वो क्या करे, उनकी पत्नी रोमा को लेके उनके पास गए और वहां पे जाके उनको कहा कि आप चाहे तो अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सुग्रीव ने उनको मना कर दिया। इसलिए मना किया, उन्होंने ये सलाह दी अपनी पत्नी को, ये सलाह दी कि हमें अपने दुश्मन को भी सेवा करना सीखना चाहिए। उन्होंने सुग्रीव बाली के साथ रहकर उसको अच्छे पाठ सिखाने के लिए और उनके जरूरत के बारे के लिए उनकी सेवा करने के लिए कहा। उन्होंने ये कहा, मेरे भाई को अपना दोस्त समझो, उससे सबके साथ सहमत से रखना सिखाओ, तभी तुम मेरी पत्नी हो सकती हो। मेरा मतलब है, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ, तभी तुम और मेरा शरीर सुंदर देखो, पर्याप्त नहीं। ये शब्द है जो सुग्रीव ने अपनी पत्नी रोमा से कहा था। तो ऐसा कहकर उन्होंने अपनी पत्नी को रोमा को बाली के साथ वापस भेज दिया और रोमा ने भी बहुत ही लगन के साथ में बाली की सेवा करी। और यहाँ पे बाली कहते हैं रोमा ने बाली को ध्यान सिखाया, क्योंकि बाली कहते हैं कि वो उन्होंने पहले कभी भी ध्यान नहीं किया था और उनको ध्यान सिखाया रोमा ने। तो रोमा हो गई उनकी गुरु, उन्होंने रोमा को अपना गुरु माना। और जब इसी समय भगवान राम आए और उनके साथ बाली का युद्ध हुआ
और युद्ध में वो सब कुछ हार गए। तो उस टाइम पे उन्होंने रोमा से कहा कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तब उस टाइम पे भी रोमा ने उनको रास्ता दिखाया। रोमा ने कहा कि हम राज्य, सत्ता, धन आदि के बारे में बात कर सकते हैं। हम सोच कर पैदा नहीं हुए हैं। हम तब कुछ भी नहीं जानते थे। हम ये नहीं जानते थे कि हम पैदा क्यों हुए। और उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने बाली को जब ध्यान सिखाया, तब उन्होंने बाली और रोमा ने 3 साल तक घोर तपस्या की। और उस टाइम पे बाली ये समझे कि हनुमान उसी टाइम पे बाली को ये ज्ञान हुआ कि हनुमान जी और सुग्रीव जी दोनों ही रोमा के गुरु हैं, और वो एस्ट्रली रोमा को सलाह देते हैं क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे बाली कहते हैं कि उनके प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण स्तर के साथ में वो अकेला मार्गदर्शन कर रही है, यानी कि सुग्रीव और हनुमान के प्रशिक्षण से रोमा उनका बाली का मार्गदर्शन कर रही है। और उन्हें ध्यान में सब कुछ समझ में आ गया। सुग्रीव और हनुमान के बारे में बहुत कुछ पता चला और उनके लिए वो कृतज्ञता से भर गए। तो यहाँ पे बाली ने रोमा से पूछा कि क्योंकि रोमा भी खूब एडवांस सोल थी, तो बाली ने पूछा रोमा की कि मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बन सकता हूँ। उसके पहले उन्होंने पूछा कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो रोमा ने कहा, नहीं, आप मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ऊंचे पद पर हूँ। तो तब उन्होंने बाली ने कहा कि मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, क्या मैं बन सकता हूँ। तो रोमा ने कहा, हाँ, जरूर बन सकते हैं। उसके लिए आप कहा कि आप अपनी मदद अपने करें। उन्होंने पूछा कि सीता ने खुद को रावण को नहीं दिया और राम के आने की प्रतीक्षा कर रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी खुद रावण के रूप में पहचाने कि सीता कैसे महसूस करती है। अपने भाई के साथ 7 साल तक और अपनी पत्नी के रूप में देखा, और मैं पत्नी पिछले 15 वर्षों से आपके साथ हूँ, पर अभी भी सुग्रीव केवल उनके लिए एक से पति नहीं, बल्कि एक मास्टर के रूप में वो उनकी प्रशंसा और उनसे प्यार करती है। इतना कहकर रोमा ने सुग्रीव को बाली को 3 3 दिन के लिए उस गुफा में अकेले छोड़ के चले गए। और उस टाइम वो उस बाली को हताश और निराश हो चुके थे, और उन्होंने आंख बंद करके ध्यान किया। और जब वो वापस आए तो ध्यान से जब वापस आए तो सामने में सुग्रीव और हनुमान खड़े हुए थे, और वो बाली उनके चरणों में गिर गए और उनसे अपने समस्त कुकर्मों के लिए माफी मांगी, और अपने भाई की पत्नी रोमा जो उनकी गुरु है उनको अपने साथ ले जाने के लिए अनुरोध किया। और उन्होंने कहा कि अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब मैंने सब कुछ जान लिया है, सब कुछ महसूस कर लिया है। कुछ वर्षों के लिए मैं और ध्यान करना चाहता हूँ और भविष्य के बारे में सोच उसके बाद फिर भविष्य के बारे में सोचना चाहता हूँ। ये कहकर बाली ने समस्त सैनिकों और रोमा को विदा कर दिया। तो बाली कहते हैं वो अभी तक ध्यान कर रहे हैं और अपने जैसे लोगों को गलत काम के बारे में सलाह देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं ये केवल उनकी क्षमता का एक ही पार्ट है, और वो हमें ये बताते हैं कि हम मेडिटेशन करके जब हम ध्यान करते हैं तब हम एक बार में 100 काम कर सकते हैं। हमें कोई भी चुनौती की जरूरत नहीं है। ये सब हमारे लिए एक चुनौती नहीं है। हम बहुत ही सामान्य रूप से ध्यान के साथ में
बहुत सारे काम कर सकते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि वो अभी भी मेडिटेशन कर रहे हैं और सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मास्टर्स यही थे बाली बाली का, कहीं तो उससे कुछ छूट गया होगा तो आप बता सकते हैं मास्टर्स। बस ये आखिरी वाली बात विनीता, आपने बहुत अच्छे से पहले तो दो कहानियां बताई, तो आखिरी वाली बात भी जो लिखी हुई थी, शायद वो हिंदी वाले वर्जन में ना हो, शायद इस अंग्रेजी वाले में है, कि वो ध्यानियों को ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारी धरती ये 3 डायमेंशन से 3D से 5D में जा रही है, तो वो अब उस वाली सेवा में कार्यरत हैं वाली जो मास्टर हैं, और वो जब ये हम कल भी जो हमारा सेशन हुआ था, हमने नाना जी जो शिवाजी महाराज के गुरु, एक स्पिरिचुअल गुरु थे, उसमें भी ये सुना था कि बाली और ये बाली मास्टर और नाना जी जो हैं, वो जब मनुष्य धरती से जाते हैं, यानी कि ट्रांजिशन हो जाता है, छोड़ के जाते हैं, तो वो फिर वहां पर किस लोक में जाएंगे, क्या निर्णय होगा, उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, वो ये दो लोग ही उसका मतलब पूरा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बात और थोड़ा सा मैंने सोचा कि बता दूं, क्योंकि ये इंग्लिश वर्जन है, यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से भी नीता जी बताया हमें, और हम इसी देखिए वो बाली मास्टर एक ऐसे मास्टर हैं, वैसे सभी बाद में हम बातचीत कर सकते हैं, पर उनमें कितनी सारी मतलब एक किस्म से कमियां थी, और उन्होंने अपनी कमियां बताई है ना इस वाले मैसेज में, कि उन्होंने अपने भाई की पत्नी को एक किस्म से अपने साथ रखा और उसका दुख नहीं समझा, और फिर भी उन्होंने ट्रांसपेरेंटली यहाँ पर ये मैसेज रखा, फिर उन्होंने ये बताया कि उस जिसको उन्होंने ले आए थे उन्हें नहीं उनको ध्यान सिखाया, और हनुमान जी के साथ उन्होंने ध्यान सीखा, और वो उनके गुरु थे, तो दो गुरु थे उनके। तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम थोड़ा 5 मिनट का ध्यान करते हैं और फिर चर्चा के लिए आगे खोलेंगे पूरा सेशन। तो मैं थोड़ा म्यूजिक लगाऊंगी और हम ध्यान की स्थिति में आ जाते हैं। ये बंद कर ले मास्टर। और 7 के 7 एक हो जाए, खासकर के सभी मास्टर्स, हम सभी 40 मास्टर्स का संदेश आज सुन चुके हैं, श्री अरुणा जी, पत्नी जी, और सभी मास्टर्स यहाँ पर, ग्रुप मेंबर्स, बिनीता जी स्पीकर, सभी को मैं अपना प्रेम ग्रैटिट्यूड कि हमें इतने अच्छे अच्छे संदेश हमें मिले।
बहुत सारे डिवाइन मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अगर आप बंद आंखों से कुछ देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, खास करके मुझे ये प्रेरणा मिल रही है कि हम अब जीव जंतु, एनवायरनमेंट, प्लांट्स, पानी, जो नेचर है, प्रकृति, उसके बारे में सजग रहे, अवेयर रहे। और ये जो खुशी है हमारे दिलों में, और सभी जो हम साथ मिलके यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग भी शायद देख रहे होंगे बहुत सारे डिवाइन मास्टर्स भी जुड़े हैं। और सभी डिवाइन मास्टर्स जो कि ये स्पीकर्स को एक एक के साथ, एक एक स्पीकर को इस ग्रुप के साथ जोड़ा, ताकि वह अपनी वाणी से, अपनी विजडम से हमें प्रेरणा दें। और हम यहाँ पर सब जुड़ के जो हमने यहाँ पर स्वाध्याय किया है, इसके लिए सभी टीचर्स, सभी यूनिवर्सल जो भी डिवाइन अनसीन गुरुस हैं, नेचर एलिमेंट्स, हर एक स्पीकर जो आए, हर एक मास्टर, सीनियर मास्टर, सभी को बहुत बहुत और जो आज नहीं भी जुड़ पाए और देखते हैं यूट्यूब में, खासकर नीता जी जो आखिरी तक लेट कर रहे हैं, सभी मन से धन्यवाद। के माध्यम से कई सारे मास्टर्स की ऊर्जा से हम जुड़े, एक्सपीरियंसेस से प्रेरणा ली, और हमें से कई जो हमारे मन में कोई शंका थी, कोई प्रश्न थे, कोई हमारी समझ ही नहीं आया था कि क्या समझना है, उस सब की समझ एक्सपीरियंस, हर एक वाक्य, हर एक मास्टर, हर एक बुक के हर वाक्य में अरुणा जी, पत्नी जी, जी के सर, जिनकी वजह से हम यहाँ पर जुड़े हैं सारे लोग, सभी को नमस्ते।
बस एक और मिनट ध्यान का, इस सत्र के ध्यान का, बाकी हम अपने अपने ध्यान के समय में आगे अपने ध्यान की यात्रा को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे हाथ पैरों की उंगलियों को हम हिलाते हुए ध्यान की स्थिति से बाहर आएंगे, बहुत ही धीरे से। तो विनीता जी, मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपने ये स्वीकार किया कि हमें ये मास्टर के बारे में बताएं। तो जब तक सभी लोग ध्यान से बाहर आ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने ये वाला टॉपिक क्यों चुना, और आपको ये कहानियां, क्योंकि मैं नहीं इतना अच्छे से जानती थी ये कहानियां, तो आपने पढ़ी या आप जानते थे, या ये मास्टर आपको अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा सा मैं तो बताइए, या अपने ध्यान की यात्रा के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप पहली बार। मैंने एक तो ध्यान 2021 से स्टार्ट किया था। उसके बाद ही कुछ महीनों के बाद में मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट से जुड़ी, और स्पिरिचुअल टैबलेट का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। एक ध्यान के द्वारा, विजडम के द्वारा जो हम अपने आप को ठीक करते हैं, अपने शरीर को, सब मेडिटेशन हम लोग की छूट जाती है अगर हम लोग सही तरीके से हम लोग फॉलो करें। सिर्फ विजडम सिर्फ लेना नहीं होता है, हम लोग को सही तरह से फॉलो भी करना होता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे पहले स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स कंप्लीट किया, फिर थोड़ी बहुत काउंसलिंग में आई, और धीरे धीरे बस इसी तरह से आगे बढ़ रही हूँ मैं बस। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे चुना, कि मुझे मालूम नहीं था कि आज कंप्लीट हो गया है। और मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग ने ये बुक कंप्लीट किया, सब सब मास्टर्स के हम लोग सुने, उनके चैनलिंग के द्वारा उनके जो भी संदेश है सब हम लोग, सब पर ज्ञान हमको मिला, उनके एनर्जी के साथ जुड़े हम सब कोई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो ये निमित्त मात्र था कि उस दिन मैं आपको फ्रंट डेस्क पे मिली, और फिर मैंने अनुजी अनुपमा जी ने बताया, मैं उनको हर टाइम अनु बोलती हूँ, तो अनुपमा जी ने बताया कि आप बोलेंगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई और कुछ कहना चाहता है, क्योंकि मैं सचमुच में आज ध्यान में इतना गहरे चले गई थी कि मैं शायद इसके बाद भी अपना ध्यान रखूंगी, बट सचमुच में एक कोई सपोर्ट ऐसा लगता है, मैं इसको आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि कुछ होगा जो हम सब साथ में मिले हैं, तो आज उसकी बहुत अनुभूति मुझे हुई इस बहुत छोटे से अल्प ध्यान में। तो इसके लिए मैं सभी को मन से डीप डीप ग्रेटफुल। 5 मिनट के ध्यान में मुझे बहुत जो डिवाइन मास्टर्स थे, खासकर मैंने, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए, पर कोई देवी माँ थी, कोई वाइट कपड़ों में थी, सरस्वती जी, और खासकर ये नेचर को कैसे हम लोग सपोर्ट करें, ये बहुत ही अच्छे से समझाया गया था, और मुझे इसी तरह के 2-3 दिनों से सपने भी आ रहे हैं, तो बस ये मैं शेयर करना चाहती थी। और कल हम लोगों ने आनंद और ब्रह्मा रखा है इस ग्रुप में, इसी वाले लिंक में 5:30 बजे, क्योंकि हम सबका मन था कि कुछ हम लोग शेयर करें। इसी तरह 15 अगस्त को जब हुआ था, तो तब हम लोगों ने पेट्रियोटिक गाने वगैरह किए थे, और पद्मा मैम हमारे यहाँ पर भगवत गीता की क्लास लेती है। आज तो खैर उनका मौन है, मंडे को उनका मौन होता है, तो वो कुछ बोलेंगी नहीं, पर कोई कुछ और बोलना चाहे, या इस मास्टर के बारे में कुछ बोलना चाहे, इनके संदेश के बारे में बोलना चाहे, तो जरूर। हेलो मैम, आज मेरा मौन नहीं है। आज अच्छा, वेरी गुड मैम, आप बताइए। आज कल मुझे कुछ हमारे घर में कुछ ये एक प्रोग्राम है, इसीलिए उसका अरेंजमेंट करने के लिए मैं आज और मौन नहीं रखी हूँ। अगर आज रखती हूँ तो कल का नहीं हो पाएगा प्रोग्राम मेरा, इसीलिए आज मौन नहीं रही। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी तरह से, और जो स्टोरी सुनाई बाली की मैं कभी भी नहीं सुनी थी। हाँ रियली मैं बचपन से आज तक कितने मैथोलॉजी सुनी हूँ,
लेकिन ये माइथोलॉजी में बाली की कभी कहीं पर भी सुनी नहीं थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। माइथोलॉजी स्टोरीज तो सबको अच्छे लगते हैं, आप कहाँ से भी कहाँ से लेके आए पता नहीं, लेकिन थैंक यू हम तक पहुंचाए ये स्टोरी, नया इन्फॉर्मेशन मिला, और अब मैसेज को भी आप इतने अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किए मैम, थैंक यू। हमारे ग्रुप में जुड़े रहिएगा, आपका सभी का विजडम यहाँ मायने रखता है ना। जी चलो मैम, थैंक यू सो मच मैम। हेलो मैम, नमस्ते। अनुराधा नमस्ते मैम, मैम, आपके तो नमस्ते सभी नमस्ते। बहुत नमस्ते बढ़िया मैम। लगा आज का स्टोरी। हाँ मैं पद्मा जी के साथ सहमत हूँ, बाली जी के बारे में इतने गहरा ज्ञान हमें नहीं, मुझे भी नहीं था, सिर्फ रामायण में जितने देखी हूँ उतने ही जानती हूँ मैं, अरुण गोविल जी का रामायण में। बहुत अच्छा लगा, वो मैसेज भी बहुत अच्छा लगा उनका, वो अपने खामियाब जो वीकनेसेस थे वो बताए, और सुग्रीव जी के जो महानता थी वो भी उसके बताए। बारे में भी बताए, वो स्वीकार किया दोनों, बहुत अच्छा लगा। हमें भी वैसा ही करना चाहिए, हमारी भूल दूसरों की भलो, हम हिंदी ओडिया में बोलते हैं अच्छाई, दूसरों की अच्छाई, अच्छाई अच्छाई अपने ही गुण। अपने गुण देखना चाहिए हमेशा। हम तो उल्टा करते हैं अपनी जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, दूसरों की बुराई, जो बुराई देखते हैं खुद की महानता देखते हैं, उसे तो बदलना है अभी, यही सोचती हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया लगा। आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ मैम अनुराधा मैम, कल मैंने मैसेज नहीं देखी, रात को यूट्यूब में देखा आपका, नाना जी बढ़िया मैम, थैंक मैम यू, बस मैं थैंक यू यहाँ वेरी पर, मैं मच। रिकॉर्डिंग जो नाना जी ने बोला है, नाना जी और वाली इनविजिबल वर्ल्ड में कोलीग्स हैं, और कल अच्छा नाना अच्छा जी का सेशन था और आज बाली जी का सेशन है, तो दोनों कैसे जुड़ गए जबकि इसकी प्लानिंग नहीं की थी। तो थैंक यू मैम संयुक्ता जी। थैंक यू, कल पूरा सुनी यूट्यूब में पूरी तरह से, रात जी मैम, को जी मैम। सुनी, बहुत और अच्छा। संयुक्ता ओके मैम, कल कल के लिए आपको हैप्पी टीचर्स डे, रीता मैम हैप्पी को भी टीचर्स हैप्पी टीचर्स डे। थैंक डे। कल यू, ऑल और रीता मैम आर और टीचर, आप सभी नहीं को भी बहुत बहुत बधाई, वी ऑल आर टीचर्स। वी ऑल आर टीचर्स। नमस्ते सभी को, नमस्ते आत्मा मैम, पल्लवी जी, नमस्ते मधुलिन जी। विनोदा मैडम ने बहुत अच्छा समझाया, और इस ग्रुप के, इस 40 मास्टर्स के लिए पद्मा जी को, आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आपकी वजह से ही हम लोग इतने सारे नए लोग और इतने बड़े बड़े मास्टर्स के साथ भले 5 मिनट लेकिन ध्यान तो कर पाए, नया कुछ हम सीखे हैं, नहीं तो कुछ नहीं जानते थे। और सभी को कल तो बहुत मैं बहुत अपने, धन्यवाद। कल जी तो आनंद ब्रह्मा में मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी, इस जूम सेशन के आने के बाद मुझे क्या क्या हुआ, क्या क्या लाभ जरूर मिला, जरूर वो मैम बताऊंगी। बताइएगा, जरूर आपका मैम बताइए। आपका गाना तो स्पेशल इफेक्ट है हमारा, आनंदो ब्रह्मा का सबका गाना है। पल्लवी गाना, ओके ओके गाओ। भाभी, अनुराधा मैम, विनीता मैम, सभी को गाना है, हर कोई मास्टर जितने भी आए हैं सभी को पर्सनली ये मैसेज भी जाएगा। ग्रुप में जितने जो नहीं भी हैं प्लीज सब जुड़िए और सब पहला गाना। गाना, पहला गाना पद्मा जी का होगा। हाँ, कोई बात नहीं है मैम।